इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। CAA लागू होने के बाद जो बात हम सब लगातार कह रहे थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसी बात को उठाया। पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार जो लोग हुए, उसमें सबसे ज्यादा कौन है? उसमें सबसे ज्यादा है दलित। जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, भारत का विभाजन हुआ, तो दलितों को वहां जानबूझकर रोक लिया गया। क्यों? क्योंकि इन मुसलमानों की ये सोच थी कि इनका मैला कौन ढोएगा, इनकी सड़कें कौन साफ करेगा, साफ सफाई कौन करेगा, क्योंकि ये तो कहते हैं समानता का मजहब है इस्लाम, लेकिन सबसे ज्यादा असमानता यदि कहीं है तो इस्लामी मजहब में ही है। यह पाकिस्तानी मुसलमानों ने दिखाया। भारत जब आजाद हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो जोगेश्वर नाथ मंडल गए थे यहां से पाकिस्तान, जिन्ना पे भरोसा किया उन्होंने और पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। लेकिन क्या हुआ उनके साथ? जब बड़े पैमाने पर दलितों पे अत्याचार हुए, उनका नरसंहार हुआ, उन्हें मैला ढोने वाले अधिकार तक सीमित रख दिया गया, और जोगेश्वर नाथ मंडल ने जब आवाज उठाई तो उन्हें भगा दिया गया। कहा गया अपनी हैसियत में रहो, अपनी हैसियत पहचानो। जिस जोगेश्वर नाथ मंडल के कारण ना जाने कितने दलितों ने पाकिस्तान निर्माण के फेवर में वोट किया, उस दलित जोगेश्वर नाथ मंडल को गुमनामी की मौत मरनी पड़ी। पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान में गुमनामी की मौत मरनी पड़ी। आज जो ये उदित राज है, आज जो ये चंद्रशेखर रावण है, आज जो ये तथा कथित दलितवादी हैं, वो फिर से दलितों को गुमराह कर रहे हैं और दलितों का उत्पीड़न करने वाले उन मुसलमानों के पक्ष में उतरे हैं जो पाकिस्तान में इन दलितों का उत्पीड़न करते रहे। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये किनको अधिकार देता है? ये अधिकार देता है हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई। और ये क्यों देता है? वो इसलिए देता है कि पाकिस्तान का निर्माण ही मजहब के आधार पे हुआ। वो एक मजहबी राष्ट्र है, वो एक मजहबी देश है, उसका राज धर्म ही इस्लाम है। इस्लाम को जो नहीं मानेगा, वो हाल में एक प्रोफेसर को जैसे फांसी की सजा दी गई, वही हालत वहां अल्पसंख्यकों के साथ हुआ। 23% अल्पसंख्यक थे तब जब पाकिस्तान बटा का निर्माण हुआ, भारत बटा, लेकिन आज 3% पर आ गए। कहां गए वो लोग? आज कर्नाटक की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ी बात की और बेहतरीन बात की। उन्होंने कहा कि आज हर देशवासी के मन में सवाल है कि जो लोग पाकिस्तान से अपनी जान बचाने के लिए, अपनी बेटियों की जिंदगी बचाने के लिए यहां आए हैं, उनके खिलाफ तो जुलूस निकाले जा रहे हैं, लेकिन जिस पाकिस्तान ने उन पर जुल्म किया, उसके खिलाफ इन लोगों के मुंह पर ताले क्यों लगे हुए हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने वो बात कह दी जो बात मैं आपको लगातार समझा रहा हूं। क्यों इन कांग्रेस से लेकर और इन लुटियंस मीडिया के मुंह पे ताले लगे हैं पाकिस्तान के खिलाफ? क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान के एजेंडे को बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान के फंड पर पड़ने वाले पिस्सू हैं ये, इसलिए पाकिस्तानी एजेंडे को बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग, ये लोग पाकिस्तान से आए दलितों, पिछड़ों और प्रताड़ितों के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे हैं। पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ था और तब से ही दूसरे धर्म के लोगों के साथ अत्याचार शुरू हो गया वहां। समय के साथ पाकिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाइयों पे लगातार अत्याचार बढ़ता रहा। पाकिस्तान
में इन पर जुल्म होता रहा, लेकिन कांग्रेस पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि पीड़ितों के खिलाफ ही आंदोलन कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वो बात कही जो हम सब लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान परस्त है। साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के तुमकुर में गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कांग्रेस और विपक्ष के आंदोलन पर जमकर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोला और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी दल अपने ही देश की संसद के खिलाफ उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सप्ताह पहले ही संसद ने नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी देने का ऐतिहासिक काम किया, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश में संसद के खिलाफ ही आंदोलन करने में जुट गए हैं। ये लोग, ये कांग्रेस और उसके साथी दल पाकिस्तान से आए दलितों, पिछड़ों और प्रताड़ितों के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे हैं। पाकिस्तान का जन्म तो मजहब के आधार पर हुआ था और दूसरे धर्म के लोगों पर वहां शुरू से ही अत्याचार हुआ, अत्याचार बढ़ता गया, लेकिन आज उनकी सुध लेने की जगह उनके खिलाफ ये कांग्रेस के लोग खड़े हैं। मोदी ने कहा कि लाखों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भारत आना पड़ा, पाकिस्तान ने इन लोगों पर जुल्म किया, लेकिन कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल पाक के खिलाफ नहीं बल्कि पीड़ितों के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शरण लेने आए लोगों के खिलाफ जुलूस निकाले जा रहे हैं, लेकिन जिस पाकिस्तान ने वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए उसे लेकर आखिर मुंह पर ताले क्यों लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा यह फर्ज बनता है कि पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की मदद करें, हमारा फर्ज है कि पाकिस्तान से आए हिंदुओं और उनसे भी ज्यादा दलितों को हम उनके नसीब पर नहीं छोड़ें, लेकिन जो लोग आज उनके खिलाफ खड़े हैं उनको जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आए सिख, जैन, ईसाई परिवार की मदद करें हम। जो लोग आज संसद के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज पाक को बेनकाब करने की जरूरत है। ये प्रधानमंत्री मोदी के शब्द हैं। आंदोलन करना ही है तो आपको पाकिस्तान के पिछले 70 सालों के कारनामों के खिलाफ करना चाहिए, लेकिन क्या कांग्रेस ने कभी किया? वो तो बालाकोट पे सवाल पूछती है, ये मैं कह रहा हूं, पीएम नहीं, वो तो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाती है, वो तो पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी हो जाती है। राहुल गांधी के बयान को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में कोट करता है। यहां के साहिला रशीद हो, ध्रुव राठी हो, आरिफा खानम हो, राणा अयूब हो, राजदीप सरदेसाई, कह रहे हैं राजदीप सरदेसाई कि हमने सीए के खिलाफ जहां भी आंदोलन देखे तिरंगा लहराते देखा। ये वो भूल गए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हिंदुओं से आजादी, हिंदुओं की कब्र खुदेगी, उस पर ये लोग मौन हैं क्योंकि ये दलितों के कब्र खोदने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये जो हमला है वो दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी सीएए पर अब आक्रामक हो चुके हैं, बहुत हो चुका इनका विपक्ष कांग्रेस और उनके लुटियंस बिरादरी का वितंदावाद। ये सरकार नहीं झुकेगी और ये प्रधानमंत्री के आज के कर्नाटक के तुमकुर की एक सभा में दिए गए भाषण से साबित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।